हे फूडीज, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक इंटरेस्टिंग सी रेसिपी। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। हनी चिली पोटैटो बनाने के लिए सबसे पहले हमें चार आलू चाहिए। मैंने यहाँ पर मीडियम साइज़ के चार आलू लिए हैं। इनको मैंने लंबा लंबा काट कर तैयार कर लिया है और इन्हें हम पानी में रखेंगे ताकि आलू काले ना हो। और दोस्तों, मैंने इन्हें बिल्कुल फ्रेंच फ्राइज की तरह कट किया है। अब हम इन्हें उबालेंगे। उबालने के लिए मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई में इन्हें डाल दिया है। साथ में मैंने नमक डाला है, नमक मैंने 2 चम्मच डाला है और 4 गिलास पानी, मतलब एक आलू के लिए 1 गिलास पानी। इन्हें मीडियम फ्लेम पर एक उबाल आने तक पकाएंगे। एक उबाल आ चुका है, अब हम गैस की फ्लेम लो कर देंगे और इसे 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे। इस स्टेप को करने से जो आलू का स्टार्च है वो निकल जाएगा और साथ ही आलू में नमक का टेस्ट आ जाएगा। दोस्तों, आलू हमारे तैयार हो चुके हैं। अब हम इनको छान लेंगे और पानी को फेंक देंगे। आलू तैयार है। अब हम इसकी पहली कोटिंग करेंगे, जिसके लिए हमें चाहिए 1 बड़ा चम्मच मैदा। मैदे के साथ मैंने यहाँ पे लिया 1 बड़ा चम्मच चावल का आटा। अगर आपके पास चावल का आटा ना हो तो आप कॉर्नफ्लोर भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर देंगे। जब तक आलू की फाड़ियों में मैदा और चावल का आटा अच्छे से मिक्स ना हो जाए, ये तैयार है। अब हम इसकी सेकेंड कोटिंग तैयार करते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर लिए 4 बड़े चम्मच मैदा और उसी के साथ मैंने यहाँ पे लिए 4 बड़े चम्मच चावल का आटा। फिर से दोस्तों, अगर आपके पास चावल का आटा ना हो तो आप कॉर्नफ्लोर भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 चम्मच नमक भी डाल दिया है और अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसमें पानी डालेंगे। धीरे धीरे और थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिएगा, क्योंकि हमें इसका एक गाढ़ा बैटर तैयार करना है, मतलब थिक बैटर तैयार करना है। आप देख सकते हो मैंने एकदम थिक बैटर बना लिया है। और अब हम इसमें आलू डालेंगे जो हमने पहले से तैयार किए हुए थे और इन्हें चम्मच की मदद से हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया दिख रहे हैं हमारे आलू। अब हम इन्हें पकाने की तैयारी करते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है और अब हम एक आलू का पीस डालेंगे इसे चेक करने के लिए। तेल हमारा तैयार है। इसी प्रकार अब हम सभी आलू की फाड़ियों को डाल देंगे और इन्हें मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। मीडियम फ्लेम पर फ्राई करने से ये बाहर से बिल्कुल कुरकुरे बनेंगे और अंदर से फ्लफी। आलू फ्राई हो चुके हैं। अब हम इन्हें टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे। इसी तरह हमें सभी आलू की फाड़ियों को फ्राई कर लेना है और इन्हें भी हमें मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। ये भी तैयार है। इन्हें भी हम टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे। अब हम एक पैन पे तिल रोस्ट करेंगे। मैंने यहाँ पे 2 चम्मच तिल यूज़ किए हैं। ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। तिल हमारे तैयार हैं। अब हम आलू को फ्लैश फ्राई करेंगे, मतलब इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। तेल बहुत गर्म है तो इन्हें हमें लगातार चलाते रहना है। इस स्टेप को फ्लैश फ्राई भी कहते हैं। आलू गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। इन्हें भी हम टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे। ये देखिए कितने कुरकुरे और क्रिस्पी बने हमारे आलू। आलू तैयार है। अब हम इसकी सॉस तैयार करते हैं। मैंने यहाँ पर लोहे की कढ़ाई ली है। आप कोई भी नॉर्मल कढ़ाई ले सकते हैं। इसमें हम 3 बड़े चम्मच तेल डाल देंगे। कढ़ाई हमारी गर्म थी तो तेल इंस्टेंटली गर्म हो जाएगा। इसमें हम लहसुन की कलियाँ डाल देंगे। मैंने यहाँ पर 5 लहसुन की कलियाँ ली हैं और उसी के साथ 3 लंबी कटी हुई मिर्चें।
इन्हें हमें लगातार 1 मिनट तक चलाते रहना है। अब हम इसमें रोस्ट किए हुए तिल डालेंगे। मैंने यहाँ पर 1 चम्मच तिल डालने हैं और इन्हें कंटिन्यू चलाते रहना है। एक मिनट बाद हम इसमें फटाफट प्याज डाल देंगे। आप चाहो तो प्याज को स्किप भी कर सकते हैं। प्याज के साथ साथ मैंने यहाँ पे शिमला मिर्च भी डाली है। चिली पोटैटो है तो शिमला मिर्च तो डलेगी ही। अब इसको फटाफट मिक्स करके 1 मिनट तक पकाएंगे। एक मिनट बाद हम इसमें नमक डालेंगे। मैंने यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच नमक डाला है और इसे फटाफट मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें रेड चिली सॉस डालेंगे। मैंने यहाँ पर 1 बड़ी चम्मच रेड चिली सॉस ली है और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। रेड चिली सॉस अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब हम इसमें सोया सॉस डालेंगे। मैंने यहाँ पर 2 बड़ी चम्मच सोया सॉस डाली है और इन्हें भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। मैंने यहाँ पर 1 बड़ी चम्मच चीनी भी डाली है और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें टमाटो केचप डालेंगे। इसे बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पर 4 बड़ी चम्मच टमाटो केचप डाले हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और इन्हें भी 1 मिनट तक पकाएंगे। अब हम इसमें पानी डालेंगे। मैंने यहाँ पर 1 गिलास पानी यूज़ किया है और इसे सॉस के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसके लिए एक स्लरी तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने 1 कटोरी में 1 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है और उसी के साथ मैंने 3 बड़े चम्मच पानी और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें कोई भी गुठली ना रहे। कॉर्नफ्लोर और पानी का मिश्रण हमारा तैयार है। अब हम इसे थोड़ा थोड़ा करके सॉस में डालेंगे और इसे चलाते रहेंगे। इससे क्या होगा कि हमारी सॉस एकदम गाढ़ी हो जाएगी और एकदम सॉसी हो जाएगी। सॉस हमारी एकदम बढ़िया लग रही है। अब हम इसमें हनी डालेंगे। मैंने यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच हनी डाला है। आप इसे स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा चिली पसंद है। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। सॉस हमारी एकदम बढ़िया लग रही है दोस्तों। अब हम इसमें आलू डालेंगे और आलू और सॉस को अच्छे से मिक्स कर देंगे। आलू और सॉस अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसमें रोस्ट किए हुए 1 चम्मच तिल डालेंगे और तिल को भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। और फिर हम लोग का घर में बना हुआ हनी चिली पोटैटो तैयार है। अब हम इसे सर्व करते हैं। ये लीजिए दोस्तों, हम लोग का एकदम टेस्टी एंड क्रिस्पी हनी चिली पोटैटो तैयार है। आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए, अब मैं मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। और हाँ, आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय, टेक केयर।